देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। चलिए चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, उबटन हल्दी के रस शुरू करते हैं। हाँ हाँ। बेटा अम्मी, मेरा चेहरा जल रहा है। ये आजकल के बच्चे है ना, फेस पैक बड़े शौक से लगा लेती है, लेकिन कुदरती चीजें लगाओ जिससे असली हुनर आता है, बस वो लगाने में परहेज है। इसे तो लगाना ही पड़ेगा। हमें इस हल्दी में कुछ मिला हुआ है। उबटन हल्दी में गुलाब पानी और चंदन मिला हुआ होता है, और क्या मिला होगा इसमें? नहीं अम्मी, इस हल्दी में कांच के चूरे मिले हुए हैं। चेहरे पर नहीं लगा सकती, अगर मैंने इसे अपने चेहरे पर लगा दिया तो मेरा चेहरा छिल जाएगा। अरे अल्लाह, क्या बोल रही हो? ये साजिश है मेरा चेहरा खराब करने के लिए। ऐसे मुबारक दिन पर ऐसी मनहूस बातें नहीं करते बेटा। कौन करेगा साजिश तुम्हारे खिलाफ? उबटन हल्दी तो दुआ ने खुद अपने हाथों से बनाई है। अम्मी, उबटन हल्दी दुआ ने तैयार की है? हाँ। इसका मतलब हल्दी में कांच के चूरे दुआ ने मिलाए हैं? जबान संभाल के गजा। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो, और ये जो इल्जाम लगा रही हो उसकी बुनियाद क्या है? हैदर, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूँ कि ये किसने किया है। बात बदलने की कोशिश मत करो, और सबके साथ तुम हैदर रहने दीजिए। गजल को कुछ मत कहिए, मैं इसे अपना दुश्मन नहीं मानती, इसे अपना चुकी हूँ, फिर भी इसे मुझ पे शक है। तो मैं इसका शक दूर कर दूंगी।
दुआ, बेटा ये क्या कर रही हो? अगर इसमें कांच का चूरा होता तो मेरा चेहरा छिल जाता, पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद हल्दी में कांच की किरचियां डाली थी, कहां चली गई? मैं मानती हूं तुम्हें अभी भी मुझ पे यकीन नहीं है ना? शुक्र आपको कोई जलन या चुभन महसूस हो रही है क्या इधर? जरा नहीं। देखा आप सबने और देखा तुमने एक बात और गजल, मैं तुम्हारी ऐसी भी कोई दुश्मन नहीं हूँ कि तुम्हें परेशान करने के लिए मैं अपने हैदर को तकलीफ में डालूं। मिलावट हल्दी में नहीं, तुम्हारी सोच में। इसे पाक कर लो तो दिख जाएगा कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। लगता है किसी ने हल्दी उपटन बदल दिया है। खुदा खैर करे। ये तो रेशम की तरह मुलायम है, देखो तो जरा। इसे लगाने से किसी को नुकसान नहीं होगा। ये देखो, गजल लगा लो बेटा तुम हल्दी। सुहान के सीने में जो चिंगारी लगाई है उसे आग बनाना तो जरूरी है ना, तभी तो रुहान के दिल में मुझे पाने की ख्वाहिश चल के राख हो जाएगी। और फिर बड़े चाव के साथ मैं मेरे हैदर के साथ मंगनी करूंगी, फिर उपटन हल्दी और फिर निकाह। अर्ज किया है मेरे प्यारे हैदर, अपना सब कुछ तुम पे वारी है, अब तुमको जीतने की बारी हमारी है। मंगनी है होने वाली, हल्दी है लगने वाली। यही मौका है अपनी खोई हुई इज्जत और दुआ का भरोसा जीतने का। खुदा खैर करे, मेरे होते हुए तेरा मंसूबा तो पूरा होने से रहा गजल। मेरा प्लान इस बेवकूफ ने चौपट किया है, ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा गुल्लो। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया रुहान की अम्मी। और गजल,
दुआ को तुम्हारी कितनी कदर है? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम ऐसे काम ना करो जिससे दुआ के दिल को ठेस पहुंचे, उसे दुख? और इस तरह सबके सामने इतना बड़ा इल्जाम लगाना, सोचा भी कैसे तुमने? सही कह रहे हो बेटा, गजल ने दुआ का दिल दुखाया है, इसीलिए इसे दुआ से माफी मांगनी होगी। माफी मांगो बेटा। मम्मी, वो गलत फहमी। माफी मांगो बेटा। गजल, बहुत गलत है, दुआ से माफी मांगो। तो आप मुझे माफ कर दो, वो कुछ गलत फहमी हो गई थी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज के दिन तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ। देवरानी साहिबा, आओ गले लगो। अब हैदर को अपना समझने की गलत फहमी दूर कर दो और देखो हैदर कितने खुश हैं। सर से लेके पैर तक मेरे ही रंग में रंगे हुए हैं। कहा तो छोटी बहू और रोहान को उबतन हल्दी लगनी थी, यहाँ तो बड़े बहू ने अपने दूल्हे को ही हल्दी लगा दी। अच्छा हुआ ना घर के छोटे बेटे से पहले बड़े बेटे और बहू ने मांझे की रस्म अदा कर ली। मुबारक हो। अच्छा ही है ना, उबतन लगाने से मोहब्बत बढ़ती है। गजल की गलती की वजह से ही सही, मेरी बड़ी बहू और बेटे के बीच में प्यार तो बढ़ गया। चलिए, काफी समय जाया हुआ है, रस्म अदा करते हैं। हाँ, चलो। बेटा दूसरा थाल लेकर आ उबटन हल्दी का। से अम्मी। हैदर को तो गजल के चंगुल से बचा के सुकून मिल रहा है, मगर रूहान को इस खाई में गिरता हुआ देखकर दिल दहल रहा है। या खुदा, कोई रास्ता दिखा, कैसे इस निकाह को रोकूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुआ, जाओ ना बेटा जल्दी। ज्यादा खुश मत होना दुआ, चाहे जमीन फट जाए या आसमान गिर जाए, हैदर मेरा होके रहेगा। बस यही मौका है हैदर को उबटन हल्दी लगाने का। दुआ, यालो लगता है पैर फिसल गया, अच्छा हुआ हैदर ने संभाल लिया। इस गजल की बच्ची ने आखिर हैदर को उबटन हल्दी लगा ही दिया।
तुम ठीक हो? लो हीना बेगम, गजल ने गलती से हैदर को उपटन हल्दी लगा दिया। इस बार जेत और भावत में प्यार बढ़ेगा। हाय अल्लाह, गजल और हैदर की मांझे की रस्म तो हो ही गई है, रूहान बेचारा कोरा ही रह गया। तकदीर लिखा के लाए हैदर मियां, आज तो आप पे रंग चढ़ रहा है। दुआ और गजल दोनों का रंग चढ़ गया आप पे। बस बस, और कितनी खिंचाई करेंगे मेरे बच्चों की, बस भी कीजिए अभी, इतना समय जाया हुआ है, रस्म तो शुरू ही नहीं हुई अभी तक। चलो चलो जल्दी से शुरू करो। चलो गजल ने मेरे हैदर को उबतन हल्दी लगाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, अल्लाह इसे कभी माफ नहीं करेंगे। रुहान मेरी जान, खुश रहो। शुक्रिया अब्बू। छोटी अम्मी, आप मुझे उबटन हल्दी नहीं लगाएंगी? गुलनाज, सब मेहमान आए हैं, उबटन हल्दी लगाओ वरना अच्छा नहीं होगा। शुक्रिया छोटी अम्मी, जिस उबटन हल्दी में मैंने कांच के टुकड़े मिलाए थे वो तुम्हीं ने बदला है ना? हुँ? बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे। कोई नहीं, एक बार निकाह होने दो, उसके बाद तुम्हें किसी दरगाह में बिठा दूंगी, वहां पर भीख मांगना और खाना। मुबारक हो। शुक्रिया दुआ। देखा तुमने, हैदर पर मेरे नाम की उबटन हल्दी चढ़ी हुई है। मेरी हल्दी लगाने से उसका चेहरा इतना खिल चुका है, अगर निकाह हो गया उसके बाद क्या आलम होगा, सोचो। मुबारक हो रुहान, हमेशा खुश रहो। मुबारक हो। रुहान तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ बेटा। बड़े मैं बहुत थक चुका हूँ, कमरे में जा रहा हूँ अपने। ये क्या बात हो गई? अरे कैसा है, क्या कैसे?
मांझे की रस्म भी पूरी हो गई भाभी, अब सिर्फ मेहंदी और निकाह बाकी है। हाँ भाभी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कैसे रोकेंगे गजल को? मुझे तो लगता है हमें घर वालों को सीधा सीधा बता देना चाहिए कि गजल का क्या मकसद है। नहीं कायनात, हम अब गजल के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर हम उसके खिलाफ गए तो घर वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे। इस सब में रूहान की जिंदगी दांव पर लगी है, वो बर्बाद हो सकता है। अब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो है रूहान।